हेलो क्रिएटर, तो कैसे हो भाई लोग। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा लेट हो गया। एक भाई ने बोला था कार एनिमेशन के ऊपर वीडियो बनाओ ट्यूटोरियल, तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा इस प्रकार से एनिमेशन करना। तो आपको एक काम करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हेलो, तो भाई लोग प्रिज्मा 3D ओपन कर लेना है और प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपको मैं एक प्रोजेक्ट दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लेना है, कार का होगा वो। और इंपोर्ट पे क्लिक करके आपको उस प्रोजेक्ट को सिंपल से इंपोर्ट कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंपोर्ट होने के लिए। तब तक मैं भाई आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले साल के लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर। अब यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सिंपल से इंपोर्ट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको देख लेना है जूम करके, और आपको क्या करना है अभी थोड़ा समय आपको दिखाने के लिए जो थोड़ा रोड जैसा बना लेता हूँ ताकि आपको दिखने आसानी से देख सके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। मैं थोड़ा इसको कलर देता था। अभी आपको क्या करना है, मैंने इसके टायर के ऊपर बोन्स लगाए, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पहले बोन्स लगा दिए टायर के ऊपर, फिर आपको क्या करना है बोन्स पर क्लिक करके वो जो सर्कल वाला दिख रहा है भाई आइकॉन, उस पर क्लिक करना है और एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके आपको जीरो पे आ जाना है और साइड में जो क्लॉक वाला आइकॉन है उस पर दबा देना है। और आपको क्या करना है, आपको जहाँ तक आपको एनिमेशन कर लेना है वहाँ तक आपको लाइन नीचे वाली जो खिसकानी है आपको, मतलब मैं 300 तक कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ 300 तक मैं इसको कर लेता हूँ। थोड़ा आगे हो गया, थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। 300 पे आने के बाद हाँ यहाँ पे थोड़ा आ गया है। अभी 300 पे आ जाने के बाद मैं उसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा टायर घुमा के देखना है, आगे आगे की तरफ थोड़ा सा घुमाना है। और आपको देखोगे रोटेशन दिख रहा है भाई आपको साइड में रोटेशन, जैसे मैं टायर को मूव कर रहा हूँ ये भी बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जाके आपको एनिमेशन बढ़ाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक चले फास्ट। अभी मैं इसके अंदर -3333 लिख देता हूँ और डन करके ओके दबा देता हूँ। ओके दबाने के बाद क्लॉक वाले पे ऊपर टच करके उसको डन कर देता हूँ। अभी देख, अभी अपना जो व्हील है वो घूमने चालू हो गया। अभी बाकी के टायर जो है व्हील, मतलब गाड़ी के व्हील, उनको भी अपने को घुमाना है। तो अपने को क्या करना होगा, सिंपल से पीछे वाले उसको भी क्लिक करके उसको डिलीट कर देना है। क्योंकि डबल एनिमेशन करने से अच्छा है अपने जो पहले टायर को कॉपी करके उसी टायर को आपको पीछे खिसका लेना है थोड़ा सा और एडजस्ट कर देना है। और जैसे एडजस्ट कर देते हो थोड़ा देख लेना है आपको एडजस्ट हुआ कि नहीं, बराबर एडजस्ट कर लेना और एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके आपको देख लेना है सही से। अभी दोनों टायर एक जैसे घूमने लगे तो आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आगे वाले को ही कॉपी करके पीछे लगा दो। अभी उस साइड से भी अपने को वैसे ही एनिमेशन देना है। तो अपने को क्या करना है होगा, सिंपल से मैंने जैसे पहले किया था वैसे बोनस के ऊपर क्लिक कर लेना है। और इसका जो माइनस पॉइंट नहीं भाई, इसका प्लस पॉइंट है, अभी आपको नहीं समझे नहीं गया। अभी मैंने जो पिछले वाले रोटेशन दिए थे उसमें माइनस था, अभी इसके अंदर अपने को प्लस लगाना पड़ेगा। मतलब कैसे मैं अभी बताता हूँ, उसको बोनस के ऊपर क्लिक किया, अभी जीरो पे ऊपर क्लिक करके उसको क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है और 300 के पास आ जाने। 300 पर जब तक नहीं आता तब तक आपको नीचे वाले स्वाइप कर लेना है। और स्वाइप करने के बाद 300 पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो 3333 दिख रहा है अभी, उसको अंदर से माइनस आपको हटा देना है। और जैसे माइनस हटा के डन कर देना और क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना। और जैसे आप क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और प्ले करते हो, अभी आपका टायर देखो आगे की तरफ घूमने लग गया। तो यही बताना चाह रहा था भाई मैं। अभी उसको आपको मुझसे गलती से डिलीट हो गया। आपको क्या करना है, पीछे वाला टायर भी वैसे डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद आपको फिर से आगे वाले टायर के ऊपर क्लिक करके उसको कॉपी कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके ऊपर टैप करके उसको कॉपी कर ले, या नाम के ऊपर कॉपी टच करके कॉपी कर लिया उसको और पीछे लगा दिया। अभी बराबर एडजस्ट हुआ कि नहीं आपको देख लेना है और एडजस्ट होने के बाद आपको प्ले करना है। देख
देखो गाइस बराबर हो गया कि नहीं, अभी देख लो आप ही के देख लो। अभी दोनों चारों तरफ से मतलब टायर एक साथ जैसे सेम रोटेट करेंगे आगे तरफ। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक एनिमेशन देना है जो कि आपको मालूम ही होगा। अभी कार को आपको आगे ले जाना है, अगर आपको कार आगे ले जाओगे तो एनिमेशन बहुत अच्छा दिखेगा अभी आपको। तो अभी आप भाई आपको क्या करना है, जो सीन्स नाम दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आपको 0 पोजीशन पे आ जाना है, मतलब 0 नंबर पे आ जाना है, और उसके ऊपर क्लिक करके आपको क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं पहले इसका नाम कार रख लेता हूँ ताकि आपको पसंद मतलब समझ में आ सके। अभी मैं इसको कार रीनेम दे देता। अभी आपको 0 पे ऊपर क्लिक करके क्लॉक के ऊपर टच कर देना, और टच आपको वैसे स्वाइप कर लेना है, और जो नीचे वाली लाइन है उसको स्वाइप करना है, और 300 के ऊपर जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको स्वाइप कर लेना है। जैसे 300 आ गया उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और आपको क्या करना है, अभी देखो आपको थोड़ा सा कार को आगे ले जाना है, जैसे मैं ले जा रहा हूँ आपको, मतलब जहाँ तक कार आगे ले जाना है, मतलब जहाँ तक आपका प्रोजेक्ट में जहाँ तक आपको कार ले जानी है वहाँ तक आपको आगे ले जाना है उसको। और आगे ले जाने के बाद में 300 तक एनिमेशन किया था मैंने टायर का, इसलिए मैं 300 के ऊपर क्लिक करके उसको क्लॉक के ऊपर डन कर देता हूँ। और जैसे डन करने के बाद प्ले करता हूँ, देखो भाई लग आप एनिमेशन देखो कितना अच्छा बढ़िया एनिमेशन लग रहा है। अभी कार ऑटोमेटिक जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि कार कोई ड्राइव ही कर रहा है, एकदम मतलब पीसी जैसे एनिमेशन लग रहा है कि नहीं। ऐसे ही आपको एनिमेशन करने ना, और ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना है। तो गाइस मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें कि बताऊंगा कि कैरेक्टर कैसे गाड़ी के अंदर बैठ मैं आपको सकता इसी है। वीडियो में बता देता, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भाई लोग।